सिद्धार्थनगर जिले की पुलिस ने हत्या के आरोपी को 24 घंटे में पकड़ने में सफलता हासिल की है। जिले के लोटन कोतवाली अंतर्गत बारवा निवासी शिवपूजन ने अपने पुत्र रोहित के घर वापस न आने पर संदेह करते हुए परवेज और दो अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद अपहृत रोहित की तलाश में पुलिस लगी हुई थी। अभी किसी नतीजे पर पुलिस पहुंचती कि रोहित का शव बहदग्राम सिमरहना में खून से लथपथ पाया गया, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंचते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही में जुट गई थी। हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस ने लोटन थाने के साथ साथ एसओजी और सर्विलांस टीम ने दो लोगों को गिरफ्तार किया। हत्या में प्रयुक्त आला कतल भी बरामद किया। पकड़े गए अभियुक्त परवेज ने पूछताछ में बताया कि 3 माह पूर्व रोहित ने चोरी के इल्जाम में मुझे जेल भेज दिया था, जिसका बदला लेने के लिए अपनी प्रेमिका संजू उर्फ पिंकी के साथ मिलकर योजना बनाई। पिंकी द्वारा रोहित को प्रेम जाल में फंसाकर 15 अगस्त तक वो शाम सिमरहना नहर के पास बुलाया, जहां मैं और मेरे साथी सुनील ने पीछे से सिर पर डंडा से मारा। तब तक मारते रहे जब तक रोहित मर नहीं गया। सुनील घटना के बाद नेपाल भाग गया। हम दोनों भी आज भागने वाले थे कि पकड़े गए। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अभिषेक कुमार अग्रवाल ने कहा कि पकड़े गए अभियुक्त परवेज को चोरी के इल्जाम में रोहित ने जेल भेजवा दिया था, जिसका बदला लेने के लिए अपनी प्रेमिका से मिलकर प्रेम जाल में फंसाकर हत्या किया गया, जिसमें परवेज को धर्मौली और उसकी प्रेमिका पिंकी को उसके घर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में प्रयुक्त आला कतल भी बरामद हो गया। विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय भेजा जा रहा है। तीसरे की तलाश में पुलिस लगी है। गिरफ्तार करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक की तरफ से 5,000 का इनाम दिया गया है। 16 अगस्त 2023 को थाना लोटन क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति का शव मिला था। तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौका मुआयना किया गया था और टीम बनाकर के घटना का खुलासा का निर्देश दिए गए। उसी के क्रम में आज 24 घंटा में घटना का सफल अनावरण किया गया है। दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इस घटना में जो मुख्य अभियुक्त है उसका नाम परवेज है। परवेज ने पूछताछ में यह बात बताया है कि मृतक के परिवार ने उसे 3 महीना पूर्व चोरी की घटना में जेल भेजा था, जिसके बाद से ही वो रंजिश रखने रखा था और सही मौका देखते हुए उसने अपनी प्रेमिका, जिसका नाम पिंकी यादव है, पिंकी के साथ मिलकर के यह घटना कारित की और इसमें आला कत्ल बरामद किया गया है, जिससे वार करके मृतक की मृत्यु हुई थी। इसमें कठोर धाराओं पर मुकदमा दर्ज करके अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है और भविष्य में भी इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और पूरी टीम को हमारी तरफ से 5,000 का पुरस्कार घोषित किया गया है। धन्यवाद।